हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 5 मार्च 2018 की डेली प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कुछ एमसीक्यूज़ हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में वैसे हम 4 और 5 मार्च की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। तो मंडे को इतनी ज़्यादा न्यूज़ होती तो नहीं है, बट फिर भी जो पॉइंट्स हैं वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके बारे में जो बेसिक पॉइंट है वो देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? वो है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पर्यावरण जो वन मंत्रालय उसके अंतर्गत मिनिस्ट्री उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट आता है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। इसके साथ आगे हैं इसके इसका काम क्या वो देखते हैं। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसका काम मेनली है कि वाइल्ड लाइफ के एरिया के बारे में रिसर्च करना, जैसे बायोडाइवर्सिटी कैसी है, इसके बाद बायोडाइवर्सिटी को कैसे आगे हमें कंटिन्यू रखना है, इसके साथ जो इंडेंजर जो स्पीसीज हैं उनके लिए किस तरीके से काम करना है, वाइल्ड लाइफ की जो पॉलिसी है उनको किस तरीके से बनाना है, कौन सी पॉलिसीज में कमी है, वो सारे काम करना। इसी के साथ ही वाइल्ड लाइफ का जो मैनेजमेंट है वो करना कि भाई कि कई बार कहते हैं कुछ एरिया में स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कुछ एरिया में स्पीसीज बहुत कम हो जाती हैं, तो उनकी संख्या वगैरह को ये सब सारा काम करना। मतलब और मिला के बात ऐसी है कि हमारे देश की जो वाइल्ड लाइफ है उसको ढंग से सही संभाल के रखने के लिए, आगे कंटिन्यू रखने के लिए इसका काम है वो किया जाता है, वहाँ पर रिसर्च वगैरह करती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII का हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। तो ये कुछ बेसिक न्यूज़ है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वो ये पश्चिम लहर एक्सरसाइज के बारे में। तो देख लेते हैं कि पश्चिम लहर एक्सरसाइज है क्या। सबसे पहली बात इसकी आती है कि पश्चिम लहर एक्सरसाइज है वो अरेबियन सी में इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, मतलब इंडियन नेवी ने इसे होस्ट किया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ में कौन कौन शामिल था वो देखते हैं। तो इसमें शामिल थी इंडियन आर्मी, इसके साथ ही इंडियन नेवी, इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स, और प्लस में एक चीज़ और ध्यान रखनी हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी करती हैं उनको कहते हैं इंडियन जो कोस्ट गार्ड हो। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ कोस्ट गार्ड भी थी, इन चारों ने मिलकर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की थी, वैसे होस्ट की गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। अब एक्सरसाइज क्यों की गई वो देख लेते हैं। देखो बात ऐसी है कि इंडिया के जो अरब सागर है, इंडिया के पश्चिम मतलब साइड वाला, इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती, तो इसलिए एक्सरसाइज की गई है ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी यहाँ पे चाइना की प्रेजेंस बढ़ती है, कुछ भी होता है, तो इंडिया पहले से ही प्रिपेयर रहे, और फ्यूचर में अगर कोई भी जैसे अटैक वगैरह होता है, कोई भी आतंकवादी कुछ भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने पहले से आपस में किस तरीके से हमें कोलब्रेशन वगैरह करना है, डिफरेंट जो आर्मीज एयरफोर्स है इनके बीच में, उन सब के लिए एक्सरसाइज है वो आयोजित की गई है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वो आई है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2017 के बारे में। तो देख लेते हैं ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2017 के बारे में। ये आर्टिकल में ये बताया गया सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है कि ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2017 है वो पब्लिश की गई है UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब है क्या इसमें, क्या नाम है इस रिपोर्ट का वो देखते हैं। इस रिपोर्ट का नाम हुआ है टुवार्ड्स ए जीरो एमिशन एफिशिएंट एंड रिसाइलेंट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो वैसे थीम से पता चल गया, मतलब जो इस बार के रिपोर्ट का टाइटल वगैरह उससे आपको पता चल गया है कि ओबियसली एमिशन को कम करने के लिए, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होती है उसकी संख्या उसकी समस्या से निपटने के लिए इसे पब्लिश किया गया इस रिपोर्ट में। और इसमें है क्या, इसमें मेनली इस पर फोकस किया गया कि भाई जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही है ना, जितनी बिल्डिंग बन रही है उनकी डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हो कि वहाँ पर लाइट का कम से कम यूज़ हो, मतलब लाइट सबसे ज़्यादा बचे, कि खिड़कियाँ इस तरीके से लगी हो कि खिड़कियों से रोशनी प्रॉपर आ रही हो सनलाइट, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइट है उनकी ज़रूरत नहीं हो। इसके साथ ही जैसे बात ये आती है कि जो ग्रीन कंस्ट्रक्शन है उस पर फोकस किया जाए, कि मतलब जो सीमेंट वगैरह इनका कम यूज़ हो, उसके साथ ग्रीनरी वगैरह को प्रमोट किया जाए, पेड़ पौधों की संख्या काफ़ी अच्छी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट पर फोकस किया गया है। कंटेक्स्ट एक्चुअली ऐसा है कि इंडिया का एक केरला का एक इंस्टीट्यूट है, केरला गवर्नमेंट का जो कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, उसका नाम है एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर। तो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है ना, यह हम यह ध्यान रखना कि केरल की गवर्नमेंट का एक ऑटोनॉमस बॉडी है केरल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब वहाँ के केरल की गवर्नमेंट ने एक्ट के तहत इसे बनाया है। अब है क्या, कंटेक्स्ट यही है कि जो केरल का ये इंस्टीट्यूट है एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर, इसने क्या काफ़ी अच्छा काम किया है, मैंने काफ़ी अच्छी इसकी बिल्डिंग डिज़ाइन वगैरह है उन सब के लिए ऑल ओवर इसे इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। मतलब बात यह है कुल मिला के सारा जो सारा था वो है कि जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है केरला का, इसने एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग में काफ़ी अच्छा काम किया है, इसीलिए इसे ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2017 में शामिल किया गया है। और इंडिया की है पहला ऐसा एक इंस्टीट्यूट है, पहली ऐसी सिटी कुछ भी आप बोल सकते हो इसको, मेनली मतलब इंडिया की पहला एक ऐसा पार्ट है जो इसमें शामिल हुआ है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2017 में। तो यह हमें ध्यान रखना है, बाकी वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों से हैं।
क्यों शामिल किया गया है? इसलिए शामिल किया गया है कि इसका कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, सोलर सिस्टम के द्वारा लाइट यूज़ की गई है, तो जो पावर प्लांट है उस पर लाइट का बोझ नहीं पड़ेगा। इसी के साथ ही ग्रीन कंस्ट्रक्शन है उसको काफ़ी प्रमोट किया गया है। डिज़ाइन भी इस तरीके से है कि एनर्जी का यूज़ है वो कम से कम होगा, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है उस बिल्डिंग की। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस सेंटर को इसमें शामिल किया गया है, तो यह हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है किसके साथ मिलकर बनाई गई थी वो देखते हैं। तो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2017 है वो मिलकर बनाई गई थी ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड के द्वारा, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड है उसके द्वारा इसका निर्माण है वो किया गया था। तो यह कुछ बेसिक्स जो न्यूज़ थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो आता है लार्जेस्ट सोलर पार्क स्थल के बारे में। तो लार्जेस्ट सोलर जो पार्क स्थल है वो इंडिया में, वो पूरे वर्ल्ड की बात है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो बनाया गया है कर्नाटका में। कैपेसिटी तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है, 2000 से ज़्यादा है, बट अभी से 2020 तक टारगेट है कि 100 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी है वो इससे प्रोड्यूस की जाएगी। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ है, ध्यान रखना कि लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है वो एक्चुअली कर्नाटका में भी स्टेलोस है वो किया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो आया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में, तो यह देख लेते हैं। देखो गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसको लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यह हमें ध्यान रखना है कि लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो लेके आई गई है। क्या होगा इस स्कीम में? इस स्कीम में देखो गवर्नमेंट ने यह प्रावधान किया है कि भाई जो लोग काफ़ी जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते, हम लोग काफ़ी गरीब लोग हैं जैसे खाने पीने की नहीं होती है, इसके साथ ही उनकी एज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में उनको हेल्थ की सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं, कई बार वो डिसेबल हो जाते हैं फिजिकल, तो उस कंडीशन में उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना है वो करना होता है। तो इन सब ऐसे जो सब लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद हो या हेल्थ की सारी फैसिलिटीज़ हो, एज ज़्यादा हो गई, बुढ़ापा आ गए उस कंडीशन में, या फिर वो फिजिकल डिसेबल आ गए, ऐसे सब लोगों के लिए गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी या सुविधा लेके आ रही है। एक तरीके से आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट का एक प्लान था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला, कुछ उसी तरह से लेके आ गया ताकि जो बेजरूरतमंद लोग हैं उनको फैसिलिटी है गवर्नमेंट के द्वारा सोशल सिक्योरिटी है वो दी जा सके, मतलब समाज के तहत उन्हें कुछ ना कुछ तो सुरक्षा मिल सके ना, ताकि वो अपनी आजीविका वो जी सकें एटलीस्ट, ऐसा नहीं कि वो इधर उधर भागते रहें। तो उन सब के लिए गवर्नमेंट ने लगभग हमारे देश में 50 करोड़ जो वर्कर्स हैं उनके लिए स्कीम है वो चलाई है। ये देखो इस गवर्नमेंट ने इस स्कीम में ये किया गया गवर्नमेंट ने कि भाई 3 फेज में स्कीम है वो पूरी लागू होगी। 10 साल का इसका प्लान टारगेट रखा गया है। अब तीन जो फेज है वो हमें इतना सब डिटेल्स में नहीं जानना है, बस इसमें है कि सबसे पहले जो स्कीम है वो स्टार्ट होगी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, मतलब जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए स्कीम है वो सबसे पहले लागू होगी, और वो एक तरीके से उनको फिर धीरे धीरे यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला जो फंडा था उसकी तरफ फिर ये स्कीम धीरे धीरे आगे अग्रसर है वो होती जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ने लागू तो करने की बात की है, बट इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो देखो इस स्कीम के लिए जो पैसा है वो आएगा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर सेस के द्वारा। तो गवर्नमेंट एक सेस लगेगी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर सेस, उस सेस के द्वारा इसके लिए पैसा कलेक्ट किया जाएगा। इसका जो पैसा यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है सेस से, देखो सेस और सरचार्ज दो चीज़ें होती हैं, आपको ये यहाँ पे भी बता दूँ। सेस का मतलब होता है कि सेस पर्टिकुलर किसी काम के, जैसे टैक्स, सेस और जो सरचार्ज होता है दोनों टैक्स ऑन टैक्स होते हैं, मतलब टैक्स हो गया उसके ऊपर टैक्स हो गया, जैसे कि कृषि सेस होता है, एजुकेशन सेस होता है, वो क्या है मतलब ये होता है कि सेस का फायदा ये होता है कि पर्टिकुलर उसी काम के लिए यूज करता है, जैसे कि कृषि सेस लिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इस सेस से पैसा आ रहा है कृषि वाले सेस से वो पैसा केवल और केवल कृषि वाले क्षेत्र में ही खर्च किया जा सकता है, और सरचार्ज मतलब ये होता है कि जो पैसा आ रहा है सरचार्ज के थ्रू वो पैसा कहीं भी यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सरचार्ज में कि नहीं भाई किसी पर्टिकुलर काम के लोग, अगर किसी पर्टिकुलर काम के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, अगर वो टैक्स लगाती है तो वो होता है सेस। तो ये ध्यान रखना कि सेस के और सरचार्ज में डिफरेंस बेसिकली है। अब गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर पे सेस से पैसा कलेक्ट करेगी और उस पैसे को फिर एक फंड में डालेगी। वो फंड कौन सा, वो है नेशनल एस्टेब्लिशमेंट फंड। तो नेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो फंड है इस फंड में सारा पैसा आएगा, फिर यहाँ के थ्रू सारा पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और फिर जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है उन सब में पैसा है वो चला जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भाई इसको रेगुलेट कौन करेगा, गवर्नमेंट ने स्कीम लेके तो आने की बात की है। देखो इस स्कीम को लागू करना, रेगुलेट करना, मॉनिटरिंग करना, ये सारे काम होंगे NSSC के द्वारा, नेशनल सोशल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, जो कि एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। तो ये हमें बेसिक चीज़ें ध्यान रखने की, बाकी स्टेचुरी बॉडी और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यूपीएससी पूछ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थी हमारे से हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आज हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया कि जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, काम क्या है, काम इसका है कि वाइल्ड लाइफ एरिया में रिसर्च बायोडाइवर्सिटी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। इसके बाद हमने पश्चिमी लहर एक्सरसाइज डिस्कस की जो कि अरेबियन सी में इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट की गई थी, इसमें इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी,
प्लस में इंडियन कोस्ट गार्ड भी शामिल थी। इसके साथ ही हमने ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2017 में देखा कि जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसमें यह फोकस किया गया था कि भाई जो बिल्डिंग वगैरह के डिज़ाइन हो किस तरीके से इको फ्रेंडली हो ताकि हमारे बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान ना हो और एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जा सके। और इसी के तहत इसमें एक इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया था, वो था एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर। इसको एक्चुअली इंडिया की तरफ से इसमें शामिल किया गया था, जो कि केरला गवर्नमेंट का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, एक ऑटोनोमस बॉडी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ थी, वो थी लार्जेस्ट सोलर पार्क के बारे में, जो एक्चुअली कर्नाटका में स्टेबलाइज किया गया है। इसके बाद में हमने सोशल सिक्योरिटी स्कीम डिस्कस की, जो कि लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा लेके आई गई है। क्या क्या प्लान है वो हमने सारे पॉइंट्स वो यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये थी फिलहाल आज की हमारी डिस्कशन। तो एक बार हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए आपको क्वेश्चंस बताने हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो इंडिया साइज थी, क्या है ये इंडिया साइज? कोई इंडिया के किसी दूसरे कंट्री से इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई जॉइंट एक्सरसाइज है, या फिर इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर कोई फेंसिंग वगैरह की जा रही है, या फिर कुछ और आपको बताना कि है क्या? देखो इंडिया साइज है वो मैंने हमने डिस्कस किया था कि एक नेशनल साइज सर्वे किया जा रहा है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें भाई इंडिया की भी साइज़ है वो डिसाइड की जाएंगी। जैसे कि अगर कहते हैं कि बार मार्केट जाते हैं तो देखेंगे भाई यूएस की साइज़ ही है, यूएस की 11, यूएस की 7-8, यूके की 10-12, तो इसकी जो साइज़ होती है स्टैंडर्ड, उसी तरीके से इंडिया अपनी खुद की साइज़ बना रहा है। तो उसके लिए एक सर्वे किया गया था जो था इंडिया साइज़ के नाम से। इसे हमने डिस्कस भी किया था 2 मार्च वाले दिन। तो देखो हमारी डिस्कशन का आपको काफ़ी फायदा होता है आई होप। तो आप डिस्कशन के जो भी सारे पॉइंट हैं उनको आप रिवाइज करते रहिएगा। इसके बाद में चलो आप ये बताइए कि जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल था वो क्या है? क्या है, कोई एक स्टेचुरी बॉडी है या क्या है, आपको बताना है इसके बारे में। देखो जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल था वो मैंने एक क्यूसीडी जुडिशियरी इंस्टीट्यूट था, जो कि 1941 में बनाया गया था। काम क्या था इसका? काम ये था कि भैया डायरेक्ट टैक्स से डील करता है। चलो इसके बारे में आप एक स्टेटमेंट बताइए कि जो इनकम टैक्स अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है वो आता है मेनली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये आपको बताना कि सही है या गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो इसे काफ़ी बार हम कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो इसका फायदा अगर यही होगा हमें कि भाई हम बार बार उन चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।